हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपनी बेटी के हेयर केयर करती हूँ। वैसे आप लोगों के ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप अपनी डॉटर के बालों पे क्या अप्लाई करते हो, कि आपकी डॉटर के बाल इतने हेल्दी हैं और किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डॉटर के बालों को हेल्दी बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, एट द एज ऑफ 12, वैसे तो मैं पहले से ही अपने बच्चों के बालों पे दोनों के ऑयलिंग वगैरह सब चीज़ें करती हूँ मैं। यू नो, ऑब्वियसली हर एक मदर का ये होता है कि हमारे बच्चों के बाल भी काफ़ी अच्छे और स्वस्थ होने चाहिए। तो जब छोटी उम्र से ही आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करना शुरू करेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे कि आगे जाके भी बाल हमारे यू नो गिरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं और बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो चलिए, वैसे तो आप लोगों को पता है मैंने लॉकडाउन में अपने बच्चों के ना बहुत बार हेयर कटिंग की है। ये अभी आप लोगों को पता है कि लास्ट ईयर भी मैंने उनकी हेयर कटिंग कर दी थी और उसकी वीडियो मैंने पोस्ट की थी अपने मुंबई कर बिंदु ब्लॉग्स चैनल पे, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद भी देखिए, बहुत ही जल्दी तेज़ी से इनके बाल जो है ना ग्रो हो गए। तो क्या मैं करती हूँ, क्या मैं उनके हेयर ऑयलिंग और चंपी किस तरह से करती हूँ, वो मैं पूरी वीडियो आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों तो ज़रूर करिएगा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से मैं अपने डॉटर के बालों को अच्छी तरह से यू नो ऑयलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो मैं कैसे करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैं अपनी डॉटर के बालों को किस तरह से स्वस्थ और हेल्दी रखती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है पतंजलि का रोगन बादाम शीरिन। आप लोगों को पता है बादाम का तेल हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसका इंटेक भी करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जिस तरह से हेयर ऑयल बना के दिखा रही हूँ, ये आप अपने बच्चों के बालों पे लगा सकते हैं। ये देखिए, बादाम का कम से कम आपको लेना है एक बड़े चम्मच तेल। और दोस्तों, कैस्टर ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो मैं कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। तो कैस्टर ऑयल काफ़ी गर्म होते हैं, आप लोगों को पता है, तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, बस हाँ जैसे आपने बादाम तेल एक चम्मच ले लिया, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कैस्टर ऑयल भी एक बड़े चम्मच इसमें ले लेना है। ये देखिए, इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। इससे बाल हमारे काफ़ी अच्छे और लंबे होते हैं, घने होते हैं दोस्तों, तो ये भी हम एक से दो चम्मच लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिया है इस तरह से, वर्जिन कोकोनट ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरह से मैं अपने बेटी के बालों पर ऑयलिंग करती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने ऑयल प्रिपेयर कर लिया है, अपने हाथों से ही इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप अपने बच्चों के बालों को लंबा और काला बनाए रखना चाहते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप ऑयलिंग करिए। तो चलिए, मैं आप लोगों को लाइव भी करके दिखा देती हूँ कि इसे मैं किस तरह से बालों में अप्लाई करती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बाल देखिए काफ़ी लंबे हैं मेरी बेटी के, और मैंने इसे ना बहुत बार कटिंग किया है। वैसे तो फिर बच्चे घर पे ही हैं, कहीं जा नहीं रहे, तो लॉकडाउन में मैंने इन लोगों के बाल 2 से 3 बार हेयर कटिंग किए। उसके बाद भी देखिए, मैं ऑयलिंग अच्छे तरह से करती हूँ अपने बच्चों के, तो इस तरह से बाल अच्छे और बाउंसी भी होते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपके बाल किस तरह से बाउंसी हो सकते हैं और ये लंबे समय तक के लिए काले बने रहेंगे। अगर बच्चों में देखिए, आजकल के बच्चे तो खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे विटामिन सी की मात्रा, आयरन की मात्रा, इन सारी चीज़ों की पूर्ति होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए, बालों को ना अच्छे से पार्टीशन कर लेना है। जब भी आप हेयर ऑयल करते हो अपने बच्चों को बालों पे, तो अच्छी तरह से देखिए, सबसे पहले पार्टीशन करते हुए, अब तो मैंने ये हेयर ऑयल प्रिपेयर किया है, इस तरह से जड़ों पे उनको लगा करके मसाज करिए अच्छी तरह से, ठीक है। इससे क्या होता है, रूट से जो हमारे बाल होते हैं वो अच्छे होते हैं और हमारी स्कैल्प बहुत ज़्यादा स्वस्थ होती है। तो इस तरह से आप कॉटन के हेल्प से भी आप इस तरह से पार्टीशन करते करते ऑयलिंग कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से कर रही हूँ दोस्तों। कैस्टर ऑयल हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से उसे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लिया जाता है। इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपने स्कैल्प में, देखिए इस तरह से स्कैल्प में इसे मसाज करते हुए लगाना है। तो चलिए, मैं अब अपनी बेटी के बालों को जो है ऑयलिंग फटाफट से इसे कंप्लीट कर लेती हूँ दोस्तों। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिए इस यूज़फुल वीडियो को और इस मेथड को आप ज़रूर फॉलो करिए। अगर आपने इस तरह से हेयर ऑयलिंग करना शुरू कर दिया अपने बच्चों के बालों पे, तो आपके बच्चों के बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी बाउंसी होंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर करिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को।